दोस्तों मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को Google Pixel 4a जो यूज़ करते हैं उनके कैमरा के फीचर्स के बारे में कहीं ना कहीं आइडिया है, बट इतना डेफिनेटिव आइडिया नहीं है। तो इस वाले वीडियो में कुछ एडवांस्ड फीचर्स और एडवांस्ड फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स में देना चाहूँगा अगर आप यूज़ करते हैं Google Pixel 4a। ऑफकोर्स Google Pixel 4a में मैनुअल मोड नहीं आता है, प्रो मोड जिसको हम कहते हैं वो नहीं आता है, बट बियॉन्ड दैट प्रो मोड अगर आपके कैमरा में नहीं भी है तो भी आप देखोगे कि किस तरीके से हम जो भी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं वो फीचर्स यूज करते हुए किस तरीके से हम बेहतरीन इमेजेस ले सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू और फोन पे आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा कि कौन सा सेटिंग क्या असर करता है आपके इमेजेस में और किस सेटिंग को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैमरा में हमको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे ही आपने कैमरा खोला आप देख सकते हो कि ये आपका जो है मेन स्क्रीन है, जो कि एक बहुत ही सिंपल बहुत ही नॉर्मल सा आपको स्क्रीन मिल जाएगा। जब आप इसमें टैप करोगे तो साइड में आपको यहाँ पे दो बटन्स मिलेंगे। थोड़ा सा मैं पास आके अगर आपको दिखा दूँ तो साइड में जो है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे ये मेरा लेंस कप है अभी, तो इस सब्जेक्ट में जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दो बटन्स मिलते हैं जो कि आप देख सकते हो दोनों से ही हमारे जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर दोनों बटन एक ही काम कर रहे हैं तो गूगल ने अपने कैमरा ऐप में दो बटन्स क्यों दिए हैं जो कि एक ही काम कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, दोनों बटन एक काम नहीं करते हैं। ऊपर वाला जो बटन है वो आपका ब्राइटनेस या ओवरऑल एक्सपोजर जो है उसको बढ़ाएगा और कम करेगा, और नीचे वाला जो बटन है दैट इज़ फॉर योर कॉन्ट्रास्ट, या जिसको आप शेडो भी कह सकते हैं। शेडो को आप एकदम कम कर सकते हो और ब्राइटनेस को एकदम बढ़ा सकते हो, उससे एक HDR लुक आपकी आ जाएगी। या आप चाहते हो कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूं और ब्राइटनेस को कम कर दूं, वो भी आप कर सकते हो। जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से आप अपने इमेज को फाइनली क्रिएट कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि दोनों बटन्स डिफरेंट काम करते हैं। ये वाला जो है आप कह सकते हो कि दिस इज़ फॉर योर हाईलाइट्स एंड दिस इज़ फॉर योर शेडो पार्ट ऑफ द इमेज। तो इसको डार्क और ब्राइटनेस के लिए दोनों आप यूज़ कर सकते हो, बट दोनों के अगर आप यूज़ देखोगे वो डिफरेंट है। दिस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ द इमेज, और ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्ट्रास्ट आपका ज़्यादा हैंडल करता है। तो अब अगर आपको लगता है कोई इमेज ऐसी है जो बहुत पंची है, बहुत कॉन्ट्रास्टी है ऑलरेडी, तो आप जो है कॉन्ट्रास्ट का सिर्फ इस्तेमाल करके अपने इमेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बटन्स को एक फ़ोटो में यूज़ करें, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आपको ज़रूरी क्या है, आपको ज़रूरी ये है कि आप एक इमेज को देखें, एक सीन को देखें और समझें कि क्या उस इमेज में, क्या उस सीन में मुझे दोनों बटन्स यूज़ करने हैं या मुझे सिर्फ ओवरऑल एक्सपोजर या कॉन्ट्रास्ट चेंज करने से मेरा परफेक्ट एक्सपोजर आ रहा है। इन दोनों बटन्स के ऊपर आप देखोगे एक लॉक बटन भी है। वो लॉक बटन कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने टैप किया अपने सब्जेक्ट में और इसका मैंने परफेक्ट एक्सपोजर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो सेट कर दिया। अब अगर मैं इस लॉक बटन को क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे AF AE लॉक, AF मतलब ऑटो फोकस, AE मतलब ऑटो एक्सपोजर। तो ना आपका फोकस अब चेंज होने वाला है, न आपका एक्सपोजर चेंज होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, अगर मैंने जैसे दोबारा टैप किया इसमें और मैं एकदम क्लोज चला गया, ठीक है, मैं चला गया हूँ अपने सब्जेक्ट के एकदम क्लोज, इससे क्लोज फोकस मेरा फ़ोन नहीं करेगा। तो यहाँ जाने के बाद मैंने अपना एक्सपोजर अभी भी जैसे दिखाया मैंने उस तरीके से सेट कर दिया और मैंने कर दिया इस ताले को क्लिक जो कि कर चुका है मेरा एक्सपोजर लॉक। अब अगर मैं अपना ये वाला जो लेंस मग है ये हटा दूंगा तो आप देखोगे कि जो मेरा एक्सपोजर था उसी एक्सपोजर में है और मेरा जो सीन है वो हो चुका है कम्प्लीटली लॉक। जो कि मेरी ब्राइटनेस थी, जो मेरा एक्सपोजर था, उसी फाइनल एक्सपोजर में मेरा स्क्रीन हो चुका है लॉक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बटन है वो काम करता है आपका ऑटो एक्सपोजर लॉक और ऑटो फोकस लॉक करने में। अब इससे बाहर कैसे आओगे, बाहर ऐसे आओगे कि कहीं पे भी टैप कर दोगे तो दोबारा से जो है ये वाली पूरी स्क्रीन रीसेट हो जाती है। अब बिफोर आई गो इनटू ऑल दिस डिफरेंट मोड्स नीचे, जिनके बारे में आपको शायद कहीं ना कहीं आइडिया होगा, आइडिया जिस चीज़ के बारे में हमको नहीं होता है वो है जो ये ऊपर हमको बटन दिख रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। मैं पास आके आपको दिखा देना चाहूँगा। पहला ऑप्शन ऑफकोर्स है फ्लैश ऑन ऑफ ऑटो, अगर ऑन है तो हमेशा ऑन रहेगा, एज इन कभी भी आप क्लिक करोगे फोटो तो वो फ्लैश करेगा
ऑटो मतलब लाइट के हिसाब से अपने हिसाब से कैमरा डिसाइड करेगा कि उसको फ्लैश ऑन करना है या नहीं, और ऑफ मतलब हमेशा ऑफ रहेगा। मैं हमेशा ऑफ रखता हूं क्योंकि मैं फ्लैश फोटोग्राफी करना पसंद नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है फ्लैश फोटोग्राफी में एक इमेज में जो है एक आर्टिफिशियल लुक आ जाती है, वो नेचुरल लुक जो है इमेज में और नहीं रहती। तो मैं जनरली फ्लैश फोटोग्राफी करना पसंद नहीं करता हूं दोस्तों। दैट इज जस्ट मी, आपका थॉट प्रोसेस शायद कुछ और हो सकता है, बट इट इज जस्ट मी जो सोचता है कि फ्लैश फोटोग्राफी मतलब एक जो थ्री डायमेंशनल लुक होती है इमेज की वो किल हो जाती है। अब नीचे आप देखोगे दूसरा ऑप्शन है रॉ जेपेग्स ओनली या रॉ प्लस जेपेग। रॉ मतलब आपका जो इमेज है वो एक तो साइज में बहुत बड़ा होगा, बट साइज में बड़ा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि एकदम रॉ इमेज जो है कैप्चर करेगा, रॉ डेटा कैप्चर करेगा। सो दैट अगर आप इमेजेस को प्रोसेस करना अपने हिसाब से पसंद करते हैं तो आप रॉ प्लस जेपेग दोनों चीज़ें एक साथ क्लिक कर सकते हो। फायदा इसका यह है कि आप जेपेग में जाके एक बार फाइनल लुक देख सकते हैं ऑलरेडी, जो कि कैमरा ने ऑलरेडी प्रोसेस किया होता है, उसके हिसाब से आप अपने रॉ को एडिट करने के लिए एक आइडिया आपको मिल जाता है। बट मैं डायरेक्टली सिर्फ जेपेग इसलिए शूट करता हूं दोस्तों बिकॉज मैं गूगल पिक्सल 4a को यूज करता हूं एज अ सोशल मीडिया डिवाइस, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं रॉ में जाके अच्छे तरीके से उसको एडिट करके पिक्चर को फिर मैं डालूं। रॉ मतलब कुछ भी एडिटिंग फोन अपने तरफ से नहीं करेगा, आपको खुद जाके रॉ इमेज को खोल के स्नैपसीड में, लाइटरूम में या फोटोशॉप में मोबाइल वर्जन में खोल के एक एक चीज को जो है प्रॉपरली आपको एडिट करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, रॉ इमेज की जो लुक होती है, जो इनिशियल लुक होती है, वो बहुत ही डल होती है। बट अगर आप उसको प्रॉपरली एक्सपोज करके, क्लिक करके, एडिट करके डालोगे, देन इट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है मोशन फोटोज। मोशन फोटोज मतलब जैसे आप कोई भी फोटो खींचते हो तो आपको थोड़ा सा जो है मोशन अपना फोटो में दिख जाएगा। तो अगर आपको मोशन पसंद है अपने फोटोज में तो आप मोशन फोटोज ले सकते हो। मतलब आई मीन आई एम नॉट समबडी हु क्लिक्स अ लॉट ऑफ मोशन फोटोज, बट आप क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। थोड़ा सा मोशन जो है आप देख सकते हो कैमरा ने ले लिया है बिफोर इट क्लिक्स अ फाइनल पिक्चर। आई एम नॉट समबडी हु इज इनटू मोशन फोटोज, तो मैं वो सब तामझाम जो है बंद रखना ही पसंद करता हूँ। एक है मोशन फोटोज, एक है दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑटो। ऑटो मतलब जब कैमरा को लगता है कि मोशन फोटो लेना चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो कर देगा इसको ऑन। मैं इसको जनरली ऑफ रखता हूँ। मैं भी सजेस्ट करूंगा आप ऑफ रखें अगर आपको नहीं चाहिए कि कोई मोशन हो या कोई एनिमेटेड टाइप की फोटो आपको लगे। चौथा ऑप्शन हमारे पास टाइमर का है। ऑफ कोर्स टाइमर मतलब आपको पता ही है, किसी भी फोटो लेने से पहले आप टाइमर लगा सकते हो। 3 सेकंड का टाइमर लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, काउंटडाउन होगा, उसके बाद जो है फोटो ले लेगा मेरा गूगल पिक्सल 4a। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये टाइमर मतलब आपका फोन जो है टाइमर पे चलेगा। अच्छा, अगली चीज जो है वो है रेशियो वाइड क्रॉप या आपका फुल इमेज। अब वाइड क्रॉप और फुल इमेज में फ़र्क ये है दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा इमेज डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया में शेयर करना पसंद करते हैं तो वाइड क्रॉप में इसको रखिए। उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपकी इमेज जो है वाइड एस्पेक्ट रेशियो में शूट होगी। जैसे देखते हैं आप, अगर मैं चेंज करूँ ना यहाँ से, तो आप देख सकते हो यहाँ से इमेज रेशियो जो है मेरी चेंज हो रही है। वाइड मतलब पूरा फुल स्क्रीन आ गया और ये ओरिजिनल मतलब मेरी जो है स्क्वायर, ऑलमोस्ट स्क्वायरिश इमेज आ रही है। अच्छा, अब इसका नुकसान और फ़ायदा दोनों है। तो बेसिकली अगर मैं वाइड क्रॉप यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली अपने इमेजेस को शेयर कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, जहाँ पे भी वर्टिकल फ़ोटोज़ मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वर्टिकली फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन जो है ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाइड क्रॉप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में शूट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फुल इमेज 4:3, एक तो पहली चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि पूरा फुल सेंसर जो है मेरा कैमरा यूज़ कर रहा है, 12 मेगापिक्सल का सेंसर, जबकि आप अगर वाइड स्क्रीन में करोगे तो उसी सेंसर में से जो है एक वाइड फॉर्मेट क्रॉप करके आपका जो है फ़ोन क्लिक करता है। तो एक तो पहले ही 12 मेगापिक्सल सेंसर है जो कि कम है वैसे डेफिनेटली देखा जाए तो, और उसके ऊपर से अगर आप वाइड स्क्रीन रेशियो में शूट करते हैं तो और भी क्रॉप करके इमेज की साइज़ जो है वो छोटी हो जाती है। बट मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे अगर शेयर करते हो देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं इसको वाइड एस्पेक्ट रेशियो में रखना पसंद करता
सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि मुझे स्टोरीज में नहीं डालना है, मुझे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट पे डालना है या फेसबुक पे डालना है या व्हाट्सएप स्टोरी पे डालना है या ऐसे किसी जगह डालना है, तो मैं इसको फुल इमेज में कर देता हूँ, बिकॉज देन आई एम गेटिंग माई फुल रेजोल्यूशन। और फुल रेजोल्यूशन का मतलब है फुल डिटेल्स, फुल ब्राइटनेस, फुल कॉन्ट्रास्ट, फुल कलर्स, फुल रेंज ऑफ जो भी मेरे जो है फीचर्स हैं मेरे इमेज के, मेरे कैमरा सेंसर के, वो मुझे मिल जाएगा अगर मैं इसको रखूँगा फुल इमेज फॉर्मेट में। अभी के लिए वाइड स्क्रीन रख देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर इस फ़ोन से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए ही जो है फोटोज़ क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एक मोर सेटिंग्स करके बटन मिल जाएगा, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएगा कि इसे सेव कहाँ करना चाहते हो, गूगल लेंस आप ऑन रखना चाहते हो या नहीं, जेस्चर्स वगैरह। तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, मतलब ये है कॉम्पोजिशन से। अब अगर मैं पास ला के आपको दिखाऊँ, कॉम्पोजिशन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रेमिंग हिंट्स, फ्रेमिंग हिंट्स का मतलब है कि आपको स्क्रीन में जब आप क्लिक कर रहे होगे तो आपको टिप्स दिखाएगा जस्ट इन केस कैमरा डिटेक्ट करता है कि आपकी फ्रेमिंग इतनी अच्छी नहीं है। ग्रिड टाइप मतलब आप जो है फ़ोन में, अब 3x3 कर रखा है मैंने, तो फ़ोन में आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस हैं ये दिखाती हैं कि आपको कॉम्पोजिशन किस तरीके से करना है। आप कहते हैं कि ये लाइंस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं दोस्तों, जैसे 1, 2, 3 और 4, अब ये 4 जगह इस फ्रेम में आपके जो है लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं ये लाइंस, वहाँ वहाँ अगर मैं अपने सब्जेक्ट को रखूँगा तो कहीं ना कहीं जो है विजुअली, ऐसा कहते हैं कि विजुअली मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरी जो इमेज है, वो विजुअली अट्रैक्टिव होगी, विजुअली करेक्ट होगी। अब ये रूल तो यही कहता है, बट सिंस रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, मैं हमेशा जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता हूँ। इट डिपेंड्स कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ या मुझे जो है किस टाइप की इमेज चाहिए, फाइनल इमेज, उस हिसाब से जो है मैं अपने इमेजेस शूट करता हूँ। रूल्स आपको पता होनी चाहिए, येस, बट रूल्स के हिसाब से हमेशा काम करोगे, हमेशा फोटोग्राफी करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। रूल्स कभी कभी तो तोड़ने ही चाहिए। तो मोर सेटिंग्स में दोबारा जाके अगर मैं कॉम्पोजिशन में देखूँ, ग्रिड टाइप और फ्रेमिंग हिंट्स, दो चीज़ें ये आपको मिल गई है। कैमरा फोटो रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आप अपने रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो, फुल रेजोल्यूशन चाहिए या मीडियम रेजोल्यूशन चाहिए। मुझे नहीं पता मीडियम रेजोल्यूशन क्यों किसी को चाहिए होगा, जबकि ऑलरेडी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो इसको आप फुल रेजोल्यूशन में ही रहने दीजिए। वीडियो स्टेबलाइजेशन को रख लीजिएगा ऑन, सो दैट वीडियो में आपको स्टेबलाइजेशन जो है काफ़ी अच्छी मिल जाए। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप गूगल पिक्सल 4a में यूज़ कर सकते हो, सो दैट आपका जो इमेज है वो परफेक्ट तरीके से आप ले सके। दोस्तों तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं गूगल पिक्सल 4a के कैमरा में, जो कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कई हम में से लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या हेल्प करता है और किस तरीके से हम उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब जहां तक टिप्स की बात है दोस्तों, तो सबसे पहला टिप मेरे पास ये है कि आपको जाना है बाहर, आपको जाके बाहर क्रिएट करनी है इमेजेस, स्टोरीज ढूंढनी है, कहानियाँ ढूंढनी है, और ये नहीं सोचना है कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है या मेरे पास महंगा कैमरा होता तो शायद मैं बहुत अच्छा काम कर सकता। बिल्कुल महंगे कैमरे से आप इमेज की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो, बट जो थॉट प्रोसेस है, जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, वो आप चाहे एक 10,000 का फ़ोन हो या 1,00,000 का फ़ोन हो, आप ज़रूर कर सकते हो। तो सबसे पहला टिप तो मेरे पास यही है कि आपको बाहर निकलना है, फोटोज़ क्रिएट करनी है, स्टोरीज क्रिएट करनी है, सोचना है कि जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो फ्रेम मैं लेने वाला हूँ, क्या उस फ्रेम में कोई कहानी है, या तो लाइट अच्छी हो, या तो कलर्स हो, या तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो उस फोटो में जिससे आपको लगे एज अ व्यूअर, अगर मैं इस तस्वीर को देखूं तो क्या मैं रुक के 2 सेकंड इस तस्वीर को देखूंगा, या मैं दूसरे लाखों हजारों फोटोज़ की तरह ही इसको मैं स्वाइप अप करता रहूँगा। तो वो आपको सोचना है, उसके बाद ही आपको क्लिक करनी है फ़ोटोज़। ऑफकोर्स डिजिटल फ़ोटोज़ है तो हम टप 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 कर जाते हैं, हमको लगता है कि अगर मैं 50 फोटोज़ क्लिक कर लूँगा तो उसमें से एक फ़ोटो तो अच्छी निकल ही आएगी। बिल्कुल निकल आएगी, बट उससे होगा ये कि आपको सीख कुछ नहीं मिलेगी, उससे आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। थॉट प्रोसेस को चेंज करने का मतलब है यू हैव टू डायल योरसेल्फ डाउन, थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कंपोज्ड माइंड से आपको जाना पड़ेगा फोटोज़ खींचने, सोच के कि यार मैं आज जो है कुछ कहानियाँ क्रिएट करके आऊँगा, सो दैट मुझे सेटिस्फैक्शन मिले जब मैं घर वापस आके वो तस्वीरें अपने फ़ोन के स्क्रीन में देखूँ। अगला टिप ये है कि कुछ कॉम्पोजिशन टिप्स है दोस्तों जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स है, एस कर्व है, या
यू नो ग्रिड लाइंस यूज करके आप जो है अपने होराइजन को लेवल रखिए। ये दो तीन चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं, यस, बट सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो ये है आपका थॉट प्रोसेस। मुझे हमेशा से ये लगता था कि यू नो टेक्निकलिटीज अगर अच्छी हैं आपकी, अगर मेरे पास महंगा कैमरा है, महंगे लेंसेज हैं, तो मैं एकदम जादू क्रिएट कर लूंगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आपके स्टोरी टेलिंग स्किल्स आप डेवलप करते हो तो आप किसी भी कैमरा से कभी भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो। और स्टोरी टेलिंग क्रिएट करना, स्टोरी टेलिंग जो एक थॉट प्रोसेस है वो क्रिएट करना इज अ बिग टास्क। वो कैसे क्रिएट होगा? वो ऐसे ही क्रिएट होगा कि जब भी आप किसी भी सीन को देखें तो उसमें से आप एक कहानी निकालें सोच के कि यार अगर मैं ये सीन क्लिक करूं अभी राइट नाउ अपने व्यू फाइंडर से देख के, तो क्या उस सीन में कोई ऐसी कहानी है जो मैं अपने व्यूअर्स से दिखाना चाहूँगा, व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। तो एक दो टिप्स मैं ज़रूर दे दूंगा। सबसे पहला टिप ऑफ कोर्स ये है कि आपको जो है एक रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करना है। जो मैंने दिखाया जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उन पॉइंट्स में अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो कॉम्पोजिशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं, चाहे आप फ़ोन से शूट कर रहे हो, चाहे आप DSLR से शूट कर रहे हो। ये सबसे पहला और सबसे वाजिब और इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप फॉलो कर सकते हो। क्या उसको कहते हैं हम रूल ऑफ थर्ड्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, या मैं कह सकता हूँ गलती जो मैं देखता हूँ काफ़ी मोबाइल फोटोग्राफर्स में, वो है होराइजन जो है वो टिल्टेड होती है, क्रूकेड होती है। यू नो होराइजन मतलब आपका जो इमेज है वो स्ट्रेट हो, वो एकदम परफेक्टली स्ट्रेट हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी इमेज एक टेढ़ी सी इमेज आए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डच एंगल से लेना चाहते हो, डच एंगल मतलब थोड़ा डिफरेंट एंगल से लेना चाहते हो, तो ऑफकोर्स आप टेढ़ा मेढ़ा शूट कर सकते हो। बट मोस्टली टू स्टार्ट ऑफ विथ, अगर आप शुरू कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो आपको इतना एडवांस्ड ना सोच के आपको ये सोचना है कि मेरे होराइजन जो है वो स्ट्रेट रहे। वो कैसे स्ट्रेट रहे? वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा कि अगर आपका फ़ोन आपने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है तो ज़रूर आपका होराइजन जो है स्ट्रेट आएगा। और क्लिक करने से पहले देख लीजिए कि क्या मेरा होराइजन स्ट्रेट है, क्या मैं इस तरीके से शूट कर रहा हूँ कि बाद में मुझे क्रॉप करके या पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर में स्ट्रेट ना करना पड़े। क्योंकि सिंपल है, पोस्ट प्रोडक्शन में आप स्ट्रेट कर सकते हो, बट पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर स्ट्रेट कैसे करता है इमेज को? साइड से काट के, ऊपर से काट के। विच मीन्स अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो साइड में या ऊपर स्थित है तो वो सब्जेक्ट के कटने की काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं। विच मीन्स अगेन आपके जो फाइनल कॉम्पोजिशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। तो बिगाड़ना क्यों है यार, जब आप क्लिक कर रहे हो तभी आप क्यों नहीं देख के करते हो कि क्या मेरी होराइजन स्ट्रेट है? जल्दी जल्दी में हम रहते हैं, हमेशा जल्दी जल्दी में नहीं रहना है। वही मैंने इससे पहले वाले टिप में कहा है कि काम कंपोज्ड मैनर से आपको एक एक सीन शूट करना है। इस तरीके से शूट कीजिए कि आपके पैसे लग रहे हैं, इस तरीके से शूट कीजिए कि आपके पास 36 फिल्म एक्सपोजर्स हैं, सो दैट एक एक एक्सपोजर आपका जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप कहीं ना कहीं जो है एक काम एंड कंपोज्ड माइंड से स्टोरीज क्रिएट कर पाओगे। तो ये कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट टिप्स है। यू नो मुझे लगता है कि हम ये टिप्स भूल जाते हैं। सेटिंग्स जो मैंने दिखाई हैं वो सेटिंग्स आप यूज़ कीजिए, उन सेटिंग्स के साथ आप खेलिए, सो दैट ये जो इमेजेस आपने देखी हैं आप याद रखिएगा दोस्तों, इसी फ़ोन से क्लिक करी हुई हैं, प्रो मोड नहीं है, बट दैट डज नॉट मैटर। जो मोड हमारे पास हैं उसी को यूज करके मैंने ये इमेजेस करी हैं क्रिएट। अब ये इसी चीज को मैं बाहर एक स्ट्रीट फोटोग्राफी एग्जांपल में अगले वीडियो में दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने चीजें कही हैं उन चीजों को मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूं, वो एक अलग से वीडियो मैं जरूर बना के डालूंगा। बट फॉर नाउ आई होप ये जो मोड्स मैंने दिखाए हैं, ये जो डिटेल में मैंने मोड्स बताए हैं गूगल पिक्सल 4a के, और जो छोटे मोटे टिप्स बताए हैं वो आपको जरूर कहीं ना कहीं करेंगे मदद आपको एक बेटर फोटोग्राफर बनने में। तो मैं तो मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।